केंद्र सरकार बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में 400 करोड़ रुपए की लागत से मेगा फूड पार्क का निर्माण कराएगी। इस बात का ऐलान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। उन्होंने कहा है कि इस फूड पार्क के निर्माण से 5000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका ऐलान बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के साथ किया। दरअसल शाहनवाज चाहते हैं कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए वो मोतीपुर में मेगा फूड पार्क निर्माण को लेकर कोशिशों में जुटे थे। दरअसल शाहनवाज चाहते हैं कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए वो मोतीपुर में मेगा फूड पार्क निर्माण को लेकर कोशिशों में जुटे थे और लगातार दूसरे मंत्रियों से बातचीत कर रहे थे। सुनिए। केंद्र सरकार की फूड पॉलिसी दृष्टि में उनके आग्रह को स्वीकार किया, सरकार के आग्रह को स्वीकार किया और एक मेगा फूड पार्क बिहार को स्वीकृत कर दिया है। इस मेगा फूड पार्क में कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर 100 करोड़ रुपए खर्च होगा और 30 इंडस्ट्री इस पार्क के अंदर आएगी, जिससे लगभग 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और इस पूरे प्रोजेक्ट से 5000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे और मुझे लगता है कि यह प्रोजेक्ट बिहार के लिए सबसे मोतीपुर में इस प्रोजेक्ट को मंजूर किया गया।